अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे, अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। कांग्रेस का ये घमंड कांग्रेस को ही धूल में मिला गया। अखिलेश यादव से दूरी बहुत महंगी पड़ी। कमलनाथ का ये वाक्य इन राज्यों के चुनाव में डुबा गया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के कई बार समझाने पर भी उन्हें अकल नहीं आई। अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। कांग्रेस का ये घमंड इतना बड़ा था कि समाजवादी पार्टी को कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बड़ा दल की बात करेंगे तो कांग्रेस से बड़ा दल पूरे देश में किसी प्रदेश में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दल मजबूती के साथ सबसे पुराना दल कांग्रेस है, जिसकी जड़ें हर गांव हर मौजे में और हर जिले हर शहर में है। आपको लग रहा होगा तो वो भ्रम दूर कर लेना चाहिए, कांग्रेस पूरे देश और पूरे प्रदेश से मजबूत है। आंकड़े बताते हैं कि यदि सपा के प्रत्याशी कांग्रेस से नहीं भिड़ते तो कांग्रेस आसानी से जीत जाती। यहां तक कि यदि सपा अब्सेंट भी रहती तो कांग्रेस जीत जाती, मगर ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की सीटें, साल 2018 राजस्थान में 100 सीटें, साल 2023 69 सीटें, मध्य प्रदेश साल 2018 114 सीटें, साल 2023 65 सीटें, छत्तीसगढ़ राज्य 2018 68 सीटें, साल 2023 मात्र 35 सीटें। थोथा चना बाजे घना वाली कहावत यहां सही साबित होती है। कांग्रेस अपनी जमीन जहां कमजोर थी वहां उन्हें सपा से हाथ मिलाना चाहिए था। अपनी खोखली और घमंडी सोच के चलते अखिलेश को दरकिनार करके कांग्रेस ने अपने मुंह की खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।